दोस्तों 2024 में BSNL ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 91 रुपीज। लेकिन दोस्तों ये 91 रुपीज प्लान में बहुत सारा कंफ्यूज है, क्योंकि 91 का दो दो प्लान अभी BSNL के पास है, जो कि एक 2023 के लास्ट में लॉन्च किया था, जिस प्लान का वैलिडिटी है 7 डेज, ओनली 7 डेज। और अभी 2024 में BSNL ने और एक प्लान लॉन्च किया है जिस प्लान का वैलिडिटी है 90 डेज। अभी ये दो प्लान में क्या बेनिफिट है, कैसे आपको ये रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो आप बेनिफिट लेना चाहते हो वही बेनिफिट आपको मिलेगा, वो सब कुछ जो मतलब कंफ्यूज हो चुका है सब में, वो मैं सब क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। छोटा वीडियो होगा लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और BSNL रिलेटेड हर एक न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि देश के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट का, किसी भी एरिया से BSNL रिलेटेड, BSNL 4G, 5G, BSNL रिलेटेड एवरीथिंग न्यूज सब कुछ मेरे चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 के लास्ट में BSNL ने जो 91 वाला प्लान लॉन्च किया था, उस प्लान का क्या सर्विस है, क्या वैलिडिटी है। दोस्तों 2023 के लास्ट में 91 वाला जो प्लान लॉन्च किया था, उस प्लान पे BSNL सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का वैलिडिटी देता था। 7 डेज वैलिडिटी अभी भी दे रहा है, सिर्फ एक हफ्ते का, 7 दिन का। यहाँ पर आपको 600 MB का टोटल डेटा मिलेगा और टोटल 700 SMS मिलेगा। यस, 700 SMS एंड 600 MB डेटा, और कुछ नहीं, और 7 दिन का वैलिडिटी है। उसके बाद ये प्लान कोई काम का नहीं है, तो ये बहुत ही बेकार टाइप का एक प्लान है। तो ये प्लान BSNL ने क्यों लॉन्च किया है मुझे आज भी पता नहीं चला, मैंने उस टाइम पे भी वीडियो बनाया था लेकिन ये प्लान मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन अभी 2024 में BSNL ने सेम प्राइस में 91 वाला प्लान, 91 वाला प्राइस पे ही प्लान लॉन्च किया है, और इस प्लान का वैलिडिटी है 90 डेज, यानी कि ऑल एकदम एकदम 3 महीने, 90 डेज। ठीक है, तो अभी 90 डेज वाला ये जो 91 वाला प्लान है, यहाँ पर अगर आप 91 रिचार्ज करते हो तो ये स्पेशली एक रेट कटर है। यस, ये कोई प्लान नहीं है, ये एक रेट कटर है। यहाँ पर आपको 15 पैसे के हिसाब से आपका जो मेन बैलेंस में आपको पैसा डालना पड़ेगा, मेन बैलेंस पे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज अगर आप डालेंगे तो वहां पर 15 पैसे पर मिनट के हिसाब से कॉल होगा। ठीक है, और 1 पैसा पर मिनट के हिसाब से 1 MB का डेटा कटेगा, और यहाँ पर आपका SMS चार्ज के लिए भी आपको 25 पैसे पर SMS देना पड़ेगा। ठीक है, तो 91 वाला जो प्लान है ये एक रेट कटर है। ठीक है, और मेन बैलेंस से आपको पैसा डालना पड़ेगा तब जाके ये रेट कटर काम करेगा, और 90 डेज का वैलिडिटी है, 15 पैसे के एक मिनट का कॉल, 1 पैसे का 1 MB का डेटा, और 25 पैसे का 1 SMS, ऐसे करके इसका लिस्ट है। ये 91 वाला प्लान है, 90 डेज का वैलिडिटी के साथ आता है। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि 91 वाला जो दूसरा एक प्लान है उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है और इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप रिचार्ज करेंगे तो वहाँ सेल्फ केयर एप्लीकेशन से अगर रिचार्ज करेंगे तो वहाँ पर आपको 91 वाला वही प्लान को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके नीचे रेट कटर लिखा होगा। अगर आप रेट कटर चाहते हो तो रेट कटर वाला जो लिखा होगा उसको ही रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाके ये रिचार्ज होगा। और अगर आपने रेट कटर रिचार्ज आप करना चाहते हैं लेकिन आपने देखा नहीं, वो 91 वाला आपने सिलेक्ट कर लिया और पैसा डाल दिया, तो वो वाला रिचार्ज हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान से कीजिए, सेल्फ केयर एप्लीकेशन से अगर आप पढ़ेंगे तो, और अगर आप किसी BSNL ऑफिस से कर रहे हो या किसी भी मोबाइल शॉप से कर रहे हो तो उनको जरूर बता दीजिए कि मैं रेट कटर चाहता हूँ, 91 वाला रेट कटर चाहता हूँ, तो वो रेट कटर कर देगा। अगर आपको वो वाला चाहिए तो वो आप जरूर बताना। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज था, शायद आप लोगों का कंफ्यूज जो है वो क्लियर हो चुका है। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, छोटा सा वीडियो था, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और इस तरह का न्यूज सुनने के लिए, BSNL रिलेटेड कुछ भी न्यूज जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।